फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट सर रिचर्ड लिविंगस्टोन का एक और मजेदार ऐसे एसेंशियल ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है या पढ़ना क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कम्प्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द ऐसे। अबाउट द ऐसे, द एसे एसेंशियल ऑफ एजुकेशन इज टेकन फ्रॉम अ लेक्चर ऑन द एसेंशियल्स एंड यूटिलिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। एसेंशियल ऑफ एजुकेशन जो ऐसे हैं वो राइटर रिचर्ड लिविंगस्टोन के एक लेक्चर द एसेंशियल एंड यूटिलिटी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन से लिया गया है, जो कि उन्होंने अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज में दिया था। दिस एसे प्रेजेंट्स द क्लियर आइडिया अबाउट द एम ऑफ एजुकेशन। ये एसे एजुकेशन के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है। द मेन पर्पज इज टू अवेयर ऑफ योर सेल्फ ऑफ द फर्स्ट रेट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सीलेंस। एजुकेशन के फील्ड में बेस्ट को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में अपने आप को जागरूक करना इस एसे का मेन पर्पज है। दोस्तों, एक बार ऐसे के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस ऐसे में राइटर रिचर्ड लिविंगस्टोन ने एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एजुकेशन और लाइफ के लिए क्या आवश्यक है, एजुकेशन की कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें या जिस भी फील्ड में जाएँ उसमें फर्स्ट रेट कैसे अचीव करें, एजुकेशन की हेल्प से लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करें, यही सब इस ऐसे में बताया गया है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। राइटर बिगिंस हिज ऐसे बाय कंपेयरिंग द वर्स्ट स्टार्स ऑफ एजुकेशन टू अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम ऑन अ मेन्यू। ऐसे की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि जिस तरह खाने के मेन्यू में अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम होते हैं, फिर उनमें से हमें चूज करना होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं, इसी तरह जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हमें सेलेक्ट करना होता है कि किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। इन दिस एसे ही गिव्स अस अ क्लियर एंड विविड आइडिया ऑफ व्हाट एजुकेशन इज फॉर एंड व्हाट द एटीट्यूड ऑफ एन एजुकेटेड मैन शुड बी टुवर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ऐसे में राइटर लिविंगस्टोन बताते हैं कि सबसे पहले यह विचार क्लियर होना चाहिए कि हम शिक्षा किस लिए प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही वे ये भी बताते हैं कि शिक्षा के द्वारा एक शिक्षित आदमी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। द ऑथर बिगिंस बाय आस्किंग व्हाट सब्जेक्ट्स वी शुड स्टडी इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एजुकेटेड। राइटर पूछते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट्स की स्टडी करें ताकि हमें पढ़ा लिखा कहा जाए। दिस ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द आंसर टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। लोग हमें एजुकेटेड समझें इसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे देते कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और हमारे पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। ही सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिसाइड द एम ऑफ एजुकेशन। राइटर कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और हमारे पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा तब तक हमारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। द एम ऑफ एजुकेशन इज नो द बेस्ट इन एनी सब्जेक्ट दैट वी स्टडी। हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें उसमें बेस्ट को प्राप्त करें, यही हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अनादर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ स्टडी। शिक्षा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारी शिक्षा का क्षेत्र कौन सा है। हाउ वी चूज द बेस्ट फील्ड फॉर अस, दिस क्वेश्चन कम्स बिफोर अस। और जब हम ये डिसाइड करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट को प्राप्त करना है, तो फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि बेस्ट को कैसे प्राप्त करें। Every individual is surrounded by so many things that is difficult for him to make a choice. आगे राइटर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कई सारी चीज़ों से घिरा होता है, इसलिए उसके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो उनमें से बेस्ट को कैसे चूज करें। The ability to choose the best and reject the second rate defines the attitude of an educated man towards life and the problems and challenges of life. एक एजुकेटेड आदमी शिक्षा के द्वारा बेस्ट को चूज करता है, वो सेकंड रेट चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति लाइफ की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सोल्व करता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आवर पेरेंट्स विश अस टू बी एजुकेटेड, देयर इज आल्सो द फैक्ट सोसाइटी टू डिमांड्स एजुकेटेड पीपल। कुछ लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई करें। इसके अलावा कुछ लोग इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि सोसाइटी पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करती हैं, पढ़े लिखे लोगों की डिमांड करती हैं।
देयर मे बी एनी नंबर्स ऑफ रीजन्स वाई मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी शुड बी एजुकेटेड। सोसाइटी के लोगों को एजुकेटेड क्यों होना चाहिए, इसके कई रीजन्स हो सकते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट एजुकेशन विल बी इनकम्प्लीट एंड अनसेटिस्फैक्ट्री इफ इट फेल्स टू गिव अ क्लियर व्यू ऑफ द बेस्ट नॉलेज। आगे राइटर कहते हैं कि हमारी पढ़ाई तब तक अधूरी है जब तक कि वो हमें बेस्ट नॉलेज न दें। इट मीन्स अगर शिक्षा हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है तो उसका कोई यूज नहीं है। सुपरफिशियल स्टडी मे गिव अस नॉलेज बट नॉट ऑल राउंड नॉलेज। अगर हम छिछला ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे हमारी नॉलेज तो बढ़ेगी लेकिन हमारा पूरा विकास नहीं होगा। एन एजुकेटेड पर्सन कैन नो द बेस्ट इन लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक। एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छी तरह से जानता है कि लिटरेचर में बेस्ट क्या है, आर्किटेक्चर में बेस्ट क्या है और म्यूजिक में बेस्ट क्या है। ही मस्ट नो द बेस्ट इन साइंस एंड फिलोसफी। आगे राइटर कहते हैं कि हमें साइंस और फिलोसफी में भी बेस्ट होना चाहिए। द ओनली वे टू लर्न वॉट इज बेस्ट इन एनी फील्ड इज टू ऑब्जर्व पीपल अराउंड अस। किसी भी फील्ड में बेस्ट क्या है ये जानने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें, हमेशा बेस्ट लोगों के कॉन्टेक्ट में रहें। वी शुड कीप द कंपनी ऑफ दोज हु हैव एक्वायर्ड द बेस्ट थिंग्स। हमें उन लोगों के साथ में रहना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बेस्ट को प्राप्त किया है। वी शुड फॉलो देम। हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे लोग बेस्ट कैसे बने ताकि हम भी उनकी तरह बेस्ट बन सकें। देन वी विल रियलाइज वॉट इज लैकिंग इन अस। और जब हम बेस्ट लोगों के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम उनकी तरफ बेस्ट नहीं बन पा रहे हैं। लिविंग स्टोन रिफर्स टू रिलीजन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। राइटर लिविंग स्टोन हमें रिलीजन लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जिनकी हेल्प से हम बेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। He tells us that in order to see the real sense of education, a complete study of these three subjects is essential. आगे राइटर कहते हैं कि अगर हमें बेस्ट चीज़ों के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है तो फिर हमें रिलीजन लिटरेचर और हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। इट मीन्स बेस्ट चीज़ों की नॉलेज को अचीव करने के लिए ये तीनों सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, इनके बिना हम बेस्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। And so it is necessary to read the works of writers who have deeper views which really open our eyes. इसलिए हमें उन राइटर्स के वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा जो हमें डीप नॉलेज प्रोवाइड करें और हमारी आंखें खोल दें। All great literature enlarges our vision. जितना भी ग्रेट लिटरेचर है वो हमारे दृष्टिकोण को स्वतंत्र कर देता है। Enlarge का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना। If we read such literature, we will get deep insight into matter. और अगर हम भी इस तरह का ग्रेट लिटरेचर पढ़ते हैं तो उससे हमारी सोच गहरी होगी। रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द मैन। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें धर्म भी ऊंचा उठाने में हेल्प करता है। अ मैन हु इज नॉट इवन प्रॉपरली एजुकेटेड मे ग्रास्प द डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ रिलीजन। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे धर्म के मामलों में अपनी पकड़ मजबूत करके आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेस्प का मतलब होता है पकड़। This prepares us for a certain way of life and if we are ignorant of this, it becomes the cause of our failure in life. ये सभी चीज़ें हमें लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट की तरफ लेकर जाती हैं और अगर हम इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो फिर ये हमारे विनाश की वजह बनती हैं। Ignorant का मतलब होता है अज्ञानी। Our preparation for life remains inadequate और हमारी लाइफ की जो तैयारी है वो भी अधूरी रह जाती हैं। Inadequate का मतलब होता है अपर्याप्त। लिविंग स्टोन एक्सप्रेसेस ग्राफिकली द आइडियाज रिलेटिंग टू एजुकेशन। इस तरह राइटर रिचर्ड लिविंग स्टोन ने इस एसे में एजुकेशन से रिलेटेड अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ सर रिचर्ड लिविंग स्टोन का एसे एसेंशियल ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको यह एसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।